हेलो गाइस, मैं हूँ प्रकाश और आप देख रहे हैं सोम टीवी चैनल। दोस्तों, आज हम छोटा पंखा बनाने वाले हैं, उसे बोलते हैं मिनी पंखा। थंबनेल तो आपने देख लिया था किस तरह का मैंने पंखा बनाया है, उसके लिए चलिए आइए सामग्री ले लेते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए एक डीसी मोटर। मोटर कई तरीके से आती हैं और कई भांति आती हैं, इसलिए हमने ली है 6 वोल्ट की डीसी। इसके लिए हमें एक छोटा पंखा जो मार्केट से हर चीज उपलब्ध है, आप भी ले सकते हैं, ये है छोटा सा पंखा। अब हमको चाहिए इसको बनाने के लिए सामग्री। तो हमको सबसे पहले एक पाइप लेना पड़ेगा इस तरह का, इसमें मोटर लगेगी, इसलिए हम पहले इसको कट लगा लेते हैं यहाँ से हमारी जो आर्म मशीन है उसके द्वारा। तो मैंने इस तरह के से वो काट लिया है, इस तरह का से मैंने वो मोटर को लगाने के लिए फिक्स पाइप को फिक्स कर दिया है, जिससे कि वो मोटर सही तरीके से लग सके। और हम इसको ग्लू गन की सहायता से जुड़ेंगे, जिससे कि वो चलने से हिले ना। तो चलिए आप, हम पंखे की सामग्री को इकट्ठे कर लेते हैं। तो हमने पहले से इस तरह का से तीन जो हमारे तार हैं इनको हमने इस तरह का से लगाने के लिए हमने इस तरह का इस तरीके से हमने बना लिया है। तो अब हमको चाहिए एक तार इसको बांधने के लिए। अब हम इसको ग्लू गन और इसको पूरी डिजाइनिंग बना लेती हैं पहले हम इसकी, जिससे कि हमारा पंखा बाहर वाला उसमें सेट हो सके। तो चलिए आइए हम इसको अपनी क्लास के साथ, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए आइए हम इसको इस तरीके से आप देखते रहिए, इस तरीके से हम इसको डिजाइनिंग बना लेंगे और अच्छी तरीके से टाइट करना, जिससे कि वो हिले से वो निकल ना सके। इस तरीके से हमारे बना लिए और हम इसको हमारी जो मोटर है इसमें हम इसको टाइट कर दें और रख देंगे जी। देखिए दोस्तों, और बढ़िया फिक्स हो चुकी है और इसको अब हम ग्लू गन की सहायता से जोड़ेंगे। तो हमारी जो डिजाइनिंग है उसको पहले हम बना लेते हैं, इसको लगाने वाला अगला ढांचा उसको हम बना लेते हैं। हम इसको हमारे इसके हिसाब से हम वो डिजाइनिंग बनाएंगे। पहले इस तरह के हम गोल बनाएंगे, इसका बाहर वाला ढांचा बना रहे हैं इसको, फिर बीच में सेंटर लेके इस तरह के से, और इसको हम बीच में से टच कर देंगे, जिससे कि वो इस तरह का मैं ढांचा बना लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इस तरह का ये ढांचा बना लिया हमारा उसी तरीके से हिसाब से। अब हम इसको जोड़ देते हैं आपस में, कनेक्ट कर देते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, इसको हम हमारी जो पंखी है उसको हम इसमें पहले से लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पंखा तैयार हो चुका है, कोई भी उंगली वगैरह ना दे, इससे इसमें लगेगी नहीं। अब हम इसको इसमें कनेक्ट करेंगे और ये हमारा पाइप है, अब इसको हम पहले से इसमें जोड़ देते हैं। हम ग्लू गन की सहायता से हम इसको इस तरह का यहाँ से जोड़ लेते हैं, वो हिलने में हिलेगा और निकलेगा। तो थोड़ी 2-5 मिनट के लिए हम इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक हम इसमें हमारे तारों का कनेक्शन कर लेते हैं, फिर हम कनेक्ट करके इसको चलाएंगे। तो दोस्तों, अभी हमारे जो पंखा मैंने सेट किया था बढ़िया ग्लू गन की सहायता से, जो हमने ग्लू लगाया था बढ़िया सेट हो चुका है और हिल भी नहीं रहे। और अभी हमने इसमें जुगाड़ की है, एक्स्ट्रा जुगाड़, इसमें हमने LED लगाई है। अब इसमें हम कनेक्शन करते हैं और देखते हैं किस तरह से हमारा पंखा चलेगा और हमारी LED किस तरह से चलेगी। और इसमें हम एक सादा से इसमें एक स्टैंड बना लिया हमने हमारे पंखे को रखने के लिए, हमने इस तरह का स्टैंड बनाया था। और अब हम इस पंखे को हम इसमें लगा देते हैं, जिससे कि वो हिले डुले ना और बढ़िया शानदार चले। अब हम इसको हमारी जुगाड़, हमारे पास बैटरी तो है मगर पंखे को तो चला देती है बैटरी, मगर हमारी जो LED है उसको नहीं उठा पाएगी, इसलिए हमने एक नई जुगाड़ बनाई है।
अगर जो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो जुगाड़ बनाना सिखा दूंगा कि किस तरह से हम उस और पावर ले सकते हैं। अब हमारा जो पंखा है इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं और देखते हैं किस तरह का हमारा वो चलेगा पंखा। आवाज तो आप सुन ही रहे होंगे इसकी, ये देखिए उसको। अब हम कुछ कागज वगैरह लेते हैं और देखते हैं हमारे कागज किस तरह से हो गए हैं। आवाज तो आप सुन ही रहे होंगे दोस्तों कितनी तेज हवा चल रही है और हमारी तो शानदार हमने पंखा बनाया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। मैं इस तरह का तो और अच्छी वीडियो लाऊंगा, ये आपको मैं दिखाता हूँ। आप देख रहे होंगे दोस्तों हवा कितनी तेज चल रही है तो उड़ रहे हैं, देखिए दोस्तों। और हमारा पंखा है और शानदार चल रहा है, हमारा स्टैंड भी शानदार है, हिल रहा है, आपको दिख रहा होगा पूरी शानदार तरीके से मैंने बनाया है, देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं और नया वीडियो लाऊंगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।